नमस्ते प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स को। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूरी बात हम समझने वाले हैं। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, किस तरह से इसे हम नापते हैं और कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल। और फिर लास्ट में हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। जो वर्नियर कैलिपर्स जो है इन्वेंट किया था या बनाया था सन 1631 में, 1631 में पियरे वर्नियर जो साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने, तो पियरे वर्नियर ने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया फॉर एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स आर टॉट हाउ टू मेजर बेसिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन जो कि हम इससे नाप सकते हैं। इंटरनल डायमेंशन जैसे कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका इंटरनल साइज अगर मुझे नापना है तो मैं इसे नाप सकता हूं यूजिंग वर्नियर कैलिपर। लाइक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लंबाई नाप सकते हैं। थिकनेस ऑफ शीट्स, शीट्स की थिकनेस हम नाप सकते हैं। वायर का जो डायमीटर है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, वो नाप सकते हैं। डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर, डेप्थ ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। आप चाहें तो अपने सर के बाल की मोटाई आप वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं। आप एक पेज की थिकनेस अगर नापना चाहते हैं तो वो भी नाप सकते हैं। 10 पेजेस को मिलाकर थिकनेस नाप कर डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर में शामिल है, बाय यूजिंग आउटर जॉज ऑफ वर्नियर वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा आपको, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ये सब हम नाप सकते हैं। बाय यूजिंग इनर जॉ वी कैन मेजर इंटरनल डायमेंशंस सच एज द इनर डायमीटर ऑफ पाइप एंड सील्स वॉशर्स एक्सेट्रा। बाय यूजिंग स्टेम, पीछे इसमें एक रॉड लगी होती है, वी कैन मेजर डेप्थ और लेंथ ऑफ बॉटल और बीकर, वो हम नाप सकते हैं। हमारा ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर। अब हमें समझना है इसकी जरूरत हमें क्यों है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ ए वर्नियर कैलिपर? सो वी नीड इट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट विद रीजनेबल प्रिसीजन। अब ये एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, 11th क्लास में एरर एनालिसिस चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर जो है मेजरमेंट, उसमें आपको मिलेगा एरर एनालिसिस टॉपिक में, और मेरे वीडियोस में भी है 11th क्लास की प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को अच्छे से समझाया हुआ है। वी शुड स्टडी इट फॉर इट इज इन सिलेबस ऑफ क्लास 11, थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल, दोनों में है। प्रैक्टिकल इस पर बेस्ड आता है, ऑफ ऑल बोर्ड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, चाहे CBSE RBSE सभी के, यहाँ पर चाहे बिहार बोर्ड हो गुजरात बोर्ड हो, सबके सिलेबस में यह है। ऑल्सो इन सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज नीट, जेई मेन्स, एडवांस एटसेट्रा, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब में ये है। तो दिखाऊं तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 11 पार्ट 1। तो यहाँ जो चैप्टर 2 है यूनिट्स इन मेजरमेंट, यहाँ मेंशन्ड है लेंथ मेजरमेंट। तो लेंथ मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हमें वर्नियर कैलिपर्स को भी पढ़ना होता है। और प्रैक्टिकल के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। एक प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको, टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलिंड्रिकल बॉडी एंड टू मेजर इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए गिवन बीकर कैलोरीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। अगर हम डेप्थ निकाल सकते हैं, आउटर डाया इनर डाया निकाल सकते हैं, तो हम मटेरियल जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और इंटरनल डायमीटर निकाल कर और डेप्थ निकाल कर इंटरनल वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। फैमिलियरिटी विद द बेसिक अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज वाला पार्ट अगर देखें जेई का सिलेबस का, जेई सिलेबस का, तो वहां मेंशन है क्लियरली वर्नियर कैलिपर्स
इट्स यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए वेसल, जैसे कि 11th क्लास के सिलेबस में भी था, के सिलेबस में भी और जेई एडवांस के सिलेबस में अगर हम बात करें तो स्पेशली मेंशनड है एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। बाकी और भी हैं वो सीरीज में मैं आगे लूंगा, यानी सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको फुल डिटेल में मैं बताऊंगा। दीज कैलिपर्स आर आल्सो यूज्ड इन वैरायटी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। खाली नंबर लाने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, जैसे कि आप जानते हैं थ्री इडियट फिल्म में उसका क्लियर कट मैसेज था, आपने समझा था उसको कि हमें सीखना है, हमें जानना है आगे कहाँ कहाँ काम आने वाला है हमारे पास, ये जो नॉलेज आज सीखने वाले हैं हम, ये जानकारी। These calipers are also used in variety of other industries, used in scientific labs of engineering schools, engineering colleges बोलना ज़्यादा सही है। Vernier caliper is very useful and handy tool which helps the wood worker, जो खाती है carpenter है उसके बहुत काम का है, to shape the object with precise accuracy and care, जहाँ भी उसे precision work करना है नापने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी vernier calipers की। The vernier caliper helps in accurate measurement in steel industry as well. जब आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे जहां पे स्टील वर्क होता होगा तो प्रिसीजन वर्क के लिए हमें वर्नियर कैलिपर वहां रखना है। द वर्नियर कैलिपर आल्सो हैज डिफरेंट यूजेस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइक द डायमीटर ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज मेजर्ड, द डायमीटर ऑफ बोर ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द स्प्रिंग इंस्टॉल एटसेट्रा, ये सब हम नाप सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये जो पाना देख रहे हैं आप, इसमें इसका परफेक्ट साइज जो कि नट बोल्ट से मैच होना चाहिए तभी इसे हम खोल सकते हैं उसको। हम इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर नाप सकते हैं, हम इसकी डेप्थ भी नाप सकते हैं। तो ये पैन आप देख रहे हैं, इस पैन के ढक्कन की गहराई नाप सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर नाप सकते हैं, इंटरनल डायमीटर नाप सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है, एग्जांपल इज फोर्सेप्स, जो चिमटी होती है द डिस्टेंस इन बिटवीन इट्स टू साइड्स, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इसका चित्र दिखाऊंगा। एजुकेशनल पर्पस, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है अगेन फॉर मेजरमेंट, क्योंकि बिना नापे कोई चीज सही से नहीं हो सकती। क्लास 11 में आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था नेसेसिटी ऑफ, यानी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर था। तो यहाँ देख रहे हैं ओडी यानी आउटर डायमीटर, आईडी यानी इंटरनल डायमीटर, ये हम नाप सकते हैं, विड्थ नाप सकते हैं किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये क्रैंक शाफ्ट है, तो एक्यूरेसी यहाँ चाहिए होती है, अगर यहाँ एक्यूरेसी नहीं आएगी तो वियर एंड टियर बढ़ जाएगा, डैमेज हो सकता है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, और वो किससे होगा, डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर्स। ये मेडिकल एप्लीकेशन फोर्सेप्स हम इसको कह सकते हैं, कितनी दूरी तक जॉ में नर्लिंग होगी, यानी ये जो इसकी पकड़ बनाई गई है क्या साइज होगा, तो ये एग्जैक्टली नापा जाता है वर्नियर कैलिपर्स। किस प्रिंसिपल पर काम करता है वर्नियर कैलिपर? मोटे तौर पर देखा जाए तो वर्नियर स्केल जो है यूजिंग द अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स डिस्प्लेस बाय स्मॉल अमाउंट टू मेक फाइन मेजरमेंट, द ह्यूमन आई कैन इजीली डिटेक्ट दिस अलाइनमेंट ऑफ लाइंस व्हिच इज द मेन फैक्ट दैट ड्राइव्स अ वर्नियर। तो मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, पर इसको अगर समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल वे में इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप लंबाई नापना चाहते हैं तो आपके पास प्लास्टिक का स्केल अवेलेबल है, छोटा वाला 15 सेंटीमीटर का, बड़ा वाला 30.4 सेंटीमीटर का। तो प्लास्टिक के स्केल पर आप लंबाई नाप लेते लेंथ, पर अगर वो लंबाई बहुत कम है या ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपना नापना चाहते हैं, उस प्लास्टिक के स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन जो हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट जिसको कहते हैं वो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से छोटा, छोटी डायमेंशन हम उससे नहीं नाप सकते हैं, पर वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की जरूरत कहां पर आई,
ऐसे समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करना। मान लीजिए मेरे पास दो डंडियां हैं, स्टिक्स, एक की लंबाई है L1 और दूसरी की लंबाई है L2। तो L1 एंड L2 लंबाई की दो स्टिक्स मेरे पास हैं। अब ये जो L1 और L2 ये डिफरेंट है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों की मदद से कंबाइंडली एंड इंडिविजुअली बोथ मैं कितनी लंबाइयां नाप सकता हूं, हाउ मच डिस्टेंसेस आई कैन मेजर, तो आपका जवाब होगा मैं नाप सकता हूं L1, मैं नाप सकता हूं L2, मैं नाप सकता हूं दोनों को मिलाकर L1 प्लस L2, और मैं नाप सकता हूं दोनों का डिफरेंस L1 माइनस L2, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें, मान लीजिए L1 इज ग्रेटर देन L2, तो ये मेजर हम कर सकते हैं अलग अलग चार तरह की लंबाई। तो दो लेंथ का डिफरेंस हम आंख से कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए बड़ी वाली डंडी के मैंने कुछ n नंबर ऑफ पार्ट्स कर दिए और छोटी वाली डंडी के भी कुछ पार्ट्स कर दिए। डेफिनेटली छोटी डंडी के जो पार्ट्स हैं वो छोटे होंगे इन जनरल सामान्यतः, और बड़ी वाले के पार्ट इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने किए। तो मुझे पता है बड़ी डंडी की लंबाई थी L1, तो उसके अगर मैंने n पार्ट्स किए हैं तो एक पार्ट की लंबाई हुई L1 अपॉन n। इसी तरह से छोटी वाली डंडी के भी एक पार्ट की लंबाई मुझे पता है। तो अब अगर मैं आपसे सवाल करूं अब मिनिमम हम कितना नाप सकते हैं, पहले मिनिमम कितना नाप सकते थे L1 माइनस L2, अब मिनिमम कितना नाप सकते हैं, तो जवाब है बड़ी वाली डंडी का एक पार्ट माइनस छोटी वाली डंडी के एक पार्ट का साइज। यही प्रिंसिपल है वर्नियर कैलिपर के काम करने का। वर्नियर कैलिपर में एक नहीं दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है वर्नियर कैलिपर। इसके मेन पार्ट्स आप देख रहे हैं यहां पर ए और बी, एक्सटर्नल जॉज हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन नापने के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए। सी और डी यहाँ पर इंटरनल जॉज हैं, इंटरनल डायमेंशन नापने के लिए। एस जो है फिक्सिंग स्क्रू है। पी से हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वी वर्नियर स्केल है जो छोटा वाला है जिसमें जॉ बी और डी जुड़े हुए हैं जो स्लाइड कर सकते हैं हम। और ए और सी फिक्स जो है वो मेन स्केल है। ये एम जिस पे लिखा है वो है मेन स्केल, और जिस पे वी लिखा है वो है वर्नियर स्केल जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं मेन स्केल पर। जब वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइड होता है तो इस वर्नियर स्केल से अटैच्ड ई जो कि डेप्थ मेजरिंग स्टिक है, छड़ पीछे से निकलती है जिससे हम गहराई नापते हैं, ये एक्सटेंड होगी इधर से, ये गहराई नापने के काम आती है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ये दिखता है। तो इसमें दो स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल और इन वर्नियर स्केल दोनों स्केल की कंबाइंड यूज से, दोनों की मदद से हम मिनिमम जो नाप सकते हैं जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, अभी मैं डिफाइन करूंगा उसको, तो मिनिमम जो नाप सकते हैं वो क्वांटिटी काफी छोटी हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था बड़ी डंडी और छोटी डंडी, बड़ी डंडी के कुछ पार्ट, छोटी डंडी के कुछ पार्ट, और अब हम नाप पा रहे हैं बड़ी डंडी का एक पार्ट माइनस छोटी डंडी के एक पार्ट के साइज के बराबर। यानी मेन स्केल एक बड़ी डंडी के जैसा हो गया, वर्नियर स्केल छोटी डंडी के जैसा हो गया, मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ी डंडी के एक पार्ट जैसा हो गया, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटी डंडी यानी छोटी वाली स्टिक के एक डिवीजन एक पार्ट जैसा हो गया। तो ये है वर्नियर कैलिपर के काम करने का तरीका। इससे आगे की बात करते हैं, प्रिंसिपल के बाद हम देखते हैं मेजरमेंट हमें कैसे लेना है। मान लो ये आउटसाइड जॉस को मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, यहाँ ये ओवल शेप के ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, जैसे कोई अंडा है ये मान लीजिए। तो स्लाइडिंग जॉ यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ते हैं, बीच में जो स्लॉट कटा हुआ है जिसमें हमें मेन स्केल भी दिख रहा है, साइमल्टेनियसली वर्नियर स्केल भी दिख रहा है, और हम यहाँ से पढ़ पा रहे हैं कि मेन स्केल के कितने डिविजन्स और वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स। ये जो एक लाइनें खींचे इनको हम बोलते हैं डिविजन्स, विभाग, या नीचे सेंटीमीटर में होता है
कुछ वर्नियर में ऊपर इंचेस में होता है, एक साइड में सेंटीमीटर में होता है, दो दो स्केल, दो डिफरेंट यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। हम सीखते हैं अब कैसे नापना है, हाउ टू मेजर। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका लीस्ट काउंट, यानी वो मिनिमम कितना नाप सकता है। तो मिनिमम जो कोई इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है उसको हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। सिंपल है, जो हिंदी में मीनिंग है लीस्ट मिनिमम काउंट जो नाप रहा है। तो जैसे प्लास्टिक का स्केल आपका 1 मिलीमीटर नाप सकता है, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। जो घड़ी आपके पास दीवार पे लगी हुई है, अगर उसकी सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में एक टिक करती है तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, और 2 टिक करती है तो आधा सेकेंड है। समझ गए होंगे आप। आपने जब खांसी की दवाई सिरप वगैरह पिया कभी जिंदगी में, तो एक ढक्कन उसके साथ आता है और उस पर कुछ मार्किंग लगी होती है। सबसे छोटा डिवीजन होता है 1 ml, मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर तक के मार्किंग उसमें होती है इन जनरल। तो वो उस ढक्कन का लीस्ट काउंट अगर हम बोलेंगे, जिससे हम मिनिमम कितना नाप सकते हैं 1 मिलीलीटर, तो उसका लीस्ट काउंट वो 1 मिलीलीटर। तो सिमिलरली इस वर्नियर कैलिपर से मिनिमम जो हम नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्नियर कॉन्स्टेंट भी, एंड इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर। इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जैसे कि अभी मैंने समझाया था आपको स्टिक वाला एग्जाम्पल लेकर, बड़ी डंडी छोटी डंडी और उसके हमने कुछ टुकड़े कर दिए। तो डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इसको, तो 1 VSD मीन वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD मेन स्केल डिवीजन। माना कि n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों को हमने मिलाकर देखा, साथ साथ अड़ाकर जोड़कर देखा। माना कि n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के साथ, जनरली ऐसा होता है। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव वर्नियर कैलिपर। इसके अपोजिट रिट्रोग्रेसिव वर्नियर कैलिपर होता है, हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। रिट्रोग्रेसिव के बारे में इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी वर्नियर स्केल के डिविजन्स ज्यादा दूरी में फैले हो सकते हैं, मेन स्केल के डिविजन कम दूरी में फैले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं मेन स्केल के डिविजन। तो दोनों तरह से हम नाप सकते हैं। तो एन वर्नियर स्केल डिविजन अगर कोइंसाइड कर रहे हैं एन माइनस वन के साथ, तो हम ये बोलेंगे कि एन वर्नियर स्केल डिविजन उतनी ही दूरी में फैले हुए हैं जितनी दूरी में एन माइनस वन मेन स्केल डिविजन। तो जनरली क्या होता है, जो हम लैब में यूज कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर, उसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन फैले होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन की डिस्टेंस में, यानी 9 मिलीमीटर। अगर मेन स्केल डिवीजन का मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो 9 मिलीमीटर डिस्टेंस में 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल पर मार्क इन जनरल। पर हम एक जनरल अप्रोच लगा रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, तो 1 VSD किसके बराबर हुआ, मिनिमम हम कितना नाप सकते हैं वो हमें पता करना है। मिनिमम हम नाप सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD यहां से हमने निकाला तो वो मिलता है 1 माइनस 1 अपॉन n टाइम्स MSD। इसको उधर ले गए हम, n से डिवाइड कर दिया। तो अब लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लीस्ट काउंट हमें मिलता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मुझे मिलता है MSD अपॉन n, जिसको मैं लीस्ट काउंट कह सकता हूं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है, मेन स्केल का एक डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो किसी ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें, तो स्मॉलेस्ट डिविजन 1 मिलीमीटर होता है, और नंबर ऑफ डिविजन और वर्नियर स्केल 10 होते हैं, तो 1/10 मिलीमीटर यूनिट रहेगी। तो 0.1 मिलीमीटर कहेंगे हम, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो गया इसका लीस्ट काउंट। स्पेशल पर्पस वर्नियर कैलिपर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि जब हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, उसका प्रैक्टिकल का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अवेलेबल है, तो उसके बेस पर जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट थोड़ा डिफरेंट है, उसका स्केल थोड़ा डिफरेंट है। इन एन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिविजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड 10 VSD कोइंसाइड विद 9 MSD, सॉरी। सो लीस्ट काउंट हो गया 1/10 mm, जैसा भी हमने डिस्कस किया, 0.016। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, रीडिंग को कैसे लिखना है। मान लो कोई लेंथ आपने नापी, तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा कि मेन स्केल के सॉरी वर्नियर स्केल के जीरो से पहले पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ गई। तो मेन स्केल ने नापा वो है n, कैपिटल n डिविजन्स,
और अगर स्मॉल nth छोटा n nवां डिवीजन वर्नियर डिवीजन जो कि कोइंसाइड कर रहा है किसी भी मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो उसको जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें वर्नियर की रीडिंग मिलती है, जिससे टोटल रीडिंग बन जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और कभी कभी इसमें जो एरर होता है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमेशा एरर है तो जीरो एरर उसको हम कहते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो एरर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप वेइंग मशीन पर अपना वेट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं वेट, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ा, आपने सोचा क्यों ना हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और अपनी लंबाई के हिसाब से अपना वेट मेंटेन किया जाए। तो हम कहते हैं उसको बाथरूम स्केल, जिस पर वेइंग मशीन खड़े होकर वेट करते हैं। आप अभी उस पर नहीं खड़े हुए हैं और वो पहले से रीडिंग दिखा रही है, सपोज स्प्रिंग वाली है तो हो सकता है स्केल डिस्टर्ब हो जाता है कई बार, वो 5 केजी वेट पहले से दिखा रही है, और जब आप खड़े होते हैं तो वेट दिखाती है 68.5 किलोग्राम। तो आप बता सकते हैं आपका सही वेट क्या है, 68 किलोग्राम वेट। तो 68 केजी वेट आपका वेट कैसे पता चला? ये जो 0.5 केजी था इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एरर। और इसको हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से, तो ये एरर पॉजिटिव था, यानी पहले से वेट दिखा रही थी। इसका उल्टा, अगर मान लो माइनस में रीडिंग जा सकती होती है स्केल में, माइनस में 0.5 केजी अगर दिखा रही होती, अगर माइनस में रीडिंग जा सकती होती, आप खड़े होते और रीडिंग दिखाती 68 किलोग्राम वेट, तो अभी क्या करना था आपको? पहले वो जाएगी माइनस 0.5 केजी से 0 केजी, फिर नापेगी 68 केजी। तो 0.5 केजी कम नापा, तो इसको नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं, तो इसको हमें ऐड करना होगा। तो माइनस ऑफ माइनस जीरो एरर करेंगे तो ऐड हो जाएगा। कैसे? सब सीखेंगे अभी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परेशानी की सुनते जाइए ध्यान से। तो यहां पर टोटल लेंथ है n, कैपिटल n, कैपिटल n इज मेन स्केल रीडिंग बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। अभी डायग्राम में दिखा देता हूं मैं आपको, और प्लस किया इसमें हमने n इनटू लीस्ट काउंट जो कि वर्नियर स्केल की रीडिंग है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो एरर, उससे हमें टोटल रीडिंग। जीरो एरर क्या है? इट इज द फॉल्स रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, यानी वर्नियर कैलिपर के जॉज पूरे बंद हैं, अभी कोई ऑब्जेक्ट आपने उसमें नहीं पकड़ा हुआ है, फिर भी वो रीडिंग दे रहा है, फिर भी रीडिंग दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि जब हम एक्चुअल में जॉज को ओपन करेंगे तो वो रीडिंग को हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा हो सकती है पॉजिटिव के केस में, या उतनी रीडिंग कम हो जाएगी नेगेटिव के केस में। तो वो हमें समझना है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कैसे? कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट एक बार आपके हाथ में आ जाए तो सामान्य बुद्धि से सोचकर आप पता लगा सकते हैं। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, पहले है तो नापते वक्त पहले जीरो पर आएगा, फिर आगे नापेगा, यानी जीरो तक आने वाली डिस्टेंस उसने कम नापी। द जीरो एरर इज, सॉरी लेफ्ट में नहीं राइट में है। इफ जीरो वर्नियर लाइज टू द राइट, यानी पहले ही नाप चुका है, कुछ रीडिंग नाप चुका है, राइट में है तो कुछ रीडिंग नाप चुका है, सो जीरो एरर पॉजिटिव हो गया। पर अगर ये लेफ्ट में है तो जीरो एरर नेगेटिव होगा। कैसे? मैं भी डायग्राम से आपको समझाने वाला हूं। जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे रीडिंग लेते हैं बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है, बस नेगेटिव जीरो एरर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। जीरो एरर होगा नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन जो रीडिंग आ रही है प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। यहां पर कैपिटल एन क्या है? मेन स्केल रीडिंग जो कि वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रहे हैं पूरे पूरे डिविजन, वो हम नाप लेंगे। जनरली जीरो होती है ये एन की वैल्यू इन जनरल, क्योंकि बहुत ज्यादा एरर अगर आता है तो इंस्ट्रूमेंट ही हम बेकार मान लेते हैं। और एक्स जो है वो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिविजन है जो मेन स्केल के किसी भी डिविजन से कोइंसाइड कर रहा है, और ये तो हो गया जीरो एरर। उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे मान लीजिए कि मेन स्केल की रीडिंग जीरो है और एक्स जो है फोर्थ डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो 4 इनटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर अगर है तो 0.04 ये हो गई रीडिंग जो कि उसने पहले दे दी एक्स्ट्रा। अगर वर्नियर का जीरो मेन, जस्ट इमेजिन द इंस्ट्रूमेंट
इसकी इमेज आप देख सकते हो पीछे वीडियो में जाकर दोबारा से, तो वैसे मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो जीरो जो है वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट में नहीं, राइट में है, राइट में आगे जा रहा है मतलब राइट में, पीछे जा रहा है मतलब लेफ्ट में, तो उस केस में पॉजिटिव होगा, और अगर पीछे जा रहा है, पीछे रह रहा है, लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव होगा। जीरो करेक्शन क्या होता है, कई बार हम एरर के बजाय इस टर्म यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी में करेक्शन, जैसे आपने सुना होगा एंड एरर, एंड करेक्शन, हम एरर को करेक्शन कह सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं पर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, जहां एरर को हमें घटाना होता है वहां करेक्शन को हमें जोड़ना होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। सो जीरो करेक्शन इज एल्जेब्रिकली एडेड विद मेजर्ड लेंथ। देखिए बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट अगर जीरो जीरो से कॉइंसाइड कर रहा है, नीचे वाला जो स्केल है यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से कॉइंसाइड कर रहा है, कब, जब जॉज बंद है, देयर इज नो जीरो एरर, इस सिचुएशन में कोई जीरो एरर नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल उतनी दूरी में फैले हैं जितनी दूरी में 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर, सो इट इज क्लियरली विजिबल है। तो इसके बेसिस पे लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, यानी 1/10 पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। हमें विशेष ध्यान रखना है कि फाइनल रीडिंग सेम यूनिट में होनी चाहिए, मिलीमीटर तो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। जीरो एरर को समझते हैं, नो जीरो एरर अभी मैंने बताया, अगर पॉजिटिव एरर है तो कैसा दिखेगा, तो वर्नियर का जीरो, नीचे वाला स्केल वर्नियर स्केल, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से आगे रहेगा, आगे यानी राइट में रहेगा। राइट में रहने के बाद हमें देखना है कि वर्नियर का कौन से नंबर का डिवीजन, 10 में से कौन से नंबर का डिवीजन बेस्ट मैच हो रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ। मेन स्केल का कौन सा डजंट मैटर, वर्नियर का कौन सा, इट मैटर्स। तो वर्नियर का हम देख रहे हैं जीरो के बाद 1 2 3 4 चौथा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है, चौथा फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल का कॉइंसाइड कर रहा है विद एनी मेन स्केल डिवीजन, और जीरो जो है वर्नियर स्केल का आगे है मेन स्केल के जीरो से, इसलिए जीरो एरर जो है पॉजिटिव होगा, इतनी रीडिंग पहले से दे दी इस स्केल ने, तो जीरो एरर कितना आ गया हमारे पास, 0.04 सेंटीमीटर। कैसे आया, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 0.01 यानी लीस्ट काउंट से, तो 0.04 सेंटीमीटर। तो हर ऑब्जर्वेशन में से 0.04 सेंटीमीटर रीडिंग मुझे घटानी होगी तब मुझे एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, ये मतलब है पॉजिटिव एरर। अगर मैं इसको करेक्शन करके लिखूं, यानी जीरो करेक्शन लिखूं, तो यहाँ मैं साइन चेंज कर दूंगा -0.04 और उसको हम ऐड कर देंगे, यानी उसका मतलब भी वही होगा, घटाना होगा। नेगेटिव एरर को समझते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे वर्नियर स्केल है उसका जीरो ऊपर वाले मेन स्केल के जीरो से पहले आ रहा है, तो जब मैं नापना शुरू करूंगा वर्नियर स्केल खिसकेगा टुवर्ड्स राइट, खिसक के पहले जीरो से मैच होगा फिर आगे नापेगा, यानी इतनी रीडिंग कम आई, कम नाप रहा है इतनी रीडिंग, तो इसको कैसे कंपेंसेट करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन हमने फिर से ढूंढा, तो यहाँ 5 है, ये 6 और ये 7, सेवंथ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, और जीरो पीछे है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तो ये नेगेटिव एरर है। अब वो कितना एरर है यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं, क्या ये आधे मिलीमीटर से ज्यादा है या कम है, तो आप देख रहे हैं आधे मिलीमीटर से कम है, जबकि यहाँ 7 है, अगर मैं 7 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूं 7 × 0.01 तो 0.07 जो कि 0.05 सेंटीमीटर यानी 0.5 से ज्यादा है, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम साफ साफ यहाँ देख रहे हैं, कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो एरर निकालने के लिए आपको टोटल डिविजन 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 - 7, और उसको लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरर सही से आ रहा है जो कि आधे मिलीमीटर से कम है, यानी 0.03 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है यहाँ पर, 0.03 सेंटीमीटर, यहाँ दिख भी रहा है आपको ये आधे मिलीमीटर से कम है, इट इज 0.03 सेंटीमीटर, दिस इज नेगेटिव एरर। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप समझ गए होंगे जीरो एरर का कंसेप्ट। नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए वीडियो, दोबारा देखिए, इट विल बी क्लियर। और क्लैरिटी के लिए हम ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है सीखते हैं, कैसे रीडिंग निकालते हैं।
In order to read the measurement readings from vernier caliper properly, you need to remember two things before we start. For example, if vernier caliper output a measurement reading of 2.13 cm, this means that 2.13 कैसे आ रही है? Main scale पर आप देख रहे हैं 2 के बाद 1, 2 and 3, यानी main scale की reading हो गई 2.3 और vernier scale की reading कितनी हो गई? मेन स्केल की 2.3, वर्नियर स्केल की रीडिंग थर्ड डिवीजन कॉइंसाइड कर, तो 3 इनटू लीस्ट काउंट यानी 0.03, सॉरी मेन स्केल की रीडिंग हमें देखना है वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल के कितने डिवीजन, तो ये समझो वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल के कितने डिवीजन है, 2 और ये 2.1, तो मेन स्केल ग्रेडिंग हुई 2.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल ग्रेडिंग 3 इनटू लीस्ट काउंट 0.03, तो टोटल रीडिंग हुई 2.13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसकी रीडिंग पढ़कर बताओ। तो हमने देखा वर्नियर का 0 यहां है, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर क्रॉस होकर 0.1 भी क्रॉस हो गया और 2 से पहले है, 2 के ज्यादा पास में है, तो 1.1 तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग और मैं देख रहा हूं कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है वर्नियर का जो बेस कोइंसाइड कर रहा है, तो 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। हालांकि ये वर्नियर थोड़ा स्पेशल है, आप देख रहे हैं 10 नहीं इसमें 20 डिवीजंस है। अगर मैं इसका लीस्ट काउंट मानता हूं, वही लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, वैसे इसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसमें 20 डिविजन्स हैं और कितनी दूरी में फैल रहे हैं, अगर अंदाजा लगाएं हम यहाँ पे तो 19 डिविजन्स के बराबर डिस्टेंस में फैलेंगे, मेन स्केल के 19, इसके 20, यानी डिफरेंस तो एक का ही आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप इसका लीस्ट काउंट निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, लीस्ट काउंट निकाल के रीडिंग निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। मेन स्केल की रीडिंग है 1.1 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है 7th, तो टोटल रीडिंग होगी 1.1 प्लस 7 इनटू लीस्ट काउंट, अगर हम ये मान के चलें कोई जीरो एरर नहीं है, तो इफ जीरो एरर इज जीरो। बट कैसे क्या करते हैं आगे देखते हैं, उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां रीडिंग, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। वर्नियर का 0 यहाँ है और आप देख रहे हैं मेन के 3 डिवीजन निकल चुके हैं, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का, तो मेन स्केल की रीडिंग 0.3 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग डिवीजन 6 से, तो 6 इनटू लीस्ट काउंट 0.01 मानने पर 0.06 वर्नियर की रीडिंग है और 0.3 इसकी रीडिंग है, तो टोटल रीडिंग होगी 0.36। अब मैं आपको एक फैक्ट यहां समझाऊं, ध्यान से देखें अगर आप, तो ये जो वर्नियर का 0 है ये 3 मिलीमीटर वाले मार्क के ज्यादा पास है या 4 मिलीमीटर वाले मार्क के ज्यादा पास है, तो आप पाएंगे कि 3 मिलीमीटर वाले के ज्यादा पास है, 4 मिलीमीटर वाले से दूर है, यानी 0.35 से कम होनी चाहिए रीडिंग। पर जब हम यहां इसको कोइंसाइडिंग दिखा रहे हैं 6th को, तो रीडिंग 0.36 आ रही है जो कि 0.35 से ज्यादा है। इट मींस ठीक है, डायग्राम के हिसाब से हमने रीडिंग को 0.36 माना, पर ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है, ये जो वर्नियर का 0 है इसको 0.4 के ज्यादा पास होना चाहिए था, तब ये हम डायग्राम सही मानते हैं। ये मैंने इंटरनेट से उठाया, ऐसे बहुत से डायग्राम वहां मिल जाते हैं, तो डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, मैंने बताया आपको कई बार किताब में छपने में भी गलती होती है और कई बार ये खिसके हुए होते हैं, तो ये खिसके हुए रहे तो ठीक है, आपको नहीं खिसकना है, आपको अपने दिमाग इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस लगाना है, गलत है कुछ तो गलती को पकड़ना है। यहां देखते हैं जीरो एरर के साथ कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग को यहां से पढ़ा हमने 3 सेंटीमीटर यहां कंप्लीट हुए, 3.1, 3.2, 3.3 जहां पे रेड एरो लगाया, तो 3.3 मेन स्केल की रीडिंग हो गई, 0 लगभग बीच में आ रहा है, 5 आधे से थोड़ा सा कम है ध्यान से अगर देखें तो, और यहां पर कोइंसाइड कर रहा है 4th डिवीजन,
मीन्स वन ईयर स्किल ग्रेडिंग हुई 4 into lease count, तो मेन स्केल रीडिंग 3.3 सेंटीमीटर, वन ईयर स्केल रीडिंग 4 into lease count 0.04 सेंटीमीटर, टोटल रीडिंग हमारे पास आ गई 3.34 सेंटीमीटर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वन ईयर स्केल में ऐसा है कि जब जॉस को हम क्लोज कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं जॉस को, तब ये 0 0 से कोइंसाइड नहीं करता और ये ऐसा दिखता है स्केल पर। तो जीरो एरर भी हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जीरो किधर आ रहा है, मेन स्केल के वन ईयर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रहा है, पहले आ रहा है। नापना शुरू करूंगा तो पहले जीरो तक जाएगा, नहीं कम नापेगा, कम नापेगा नहीं, जीरो एरर नेगेटिव है। तो मैंने देखा कोइंसाइडिंग डिवीजन है, 6 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बेस्ट मैच कर रहा है, अलाइन हो रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, छठा डिवीजन वन ईयर स्केल का, तो हम 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहां से लॉजिकली आप देख भी सकते हैं कि आधे के पहले है मेन स्केल का जीरो जो है, ये डिस्टेंस कम है वन ईयर के जीरो से मेन के जीरो की, और अगले डिवीजन की डिस्टेंस ज्यादा, तो आधे मिलीमीटर से कम होना चाहिए एरर। तो 10 माइनस 6 यानी 4 डिवीजन, 4 को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से 0.04, दिस विल बी द नेगेटिव जीरो एरर। तो उसको कैसे कंपेंसेट करना है रीडिंग 3.34 में, वो देखना है हमको, लिखना टोटल रीडिंग को। जीरो एरर हमने कैलकुलेट किया, करेक्टेड रीडिंग हुई 3.34 माइनस, फिर माइनस जीरो एरर, क्योंकि एरर को हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3.38 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो करेक्टेड रीडिंग हुई 3.38 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, कॉमन क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है हर जगह। ए स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड ए वर्नियर कैलिपर, आप भी घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी भी है ये, एज शोन ही यूज्ड टू आइडेंटिकल इंक्लाइंस। आप क्या करें, दो ट्राइंगुलर राइट एंगल ट्राइंगुलर शीट्स काट लें गत्ते में से, ट्राइज टू में उसको इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दें, जैसे यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल शीट्स हैं जिनको इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन PQ, PQ कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई हमको नापनी है फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। ये दिया हुआ है हमें, क्या पता करना है, PQ की लंबाई नापनी है, दिया हुआ है हमें पता करना है लीस्ट काउंट। तो इन दो से मिलाकर जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसका लीस्ट काउंट हमें निकालना है और PQ की लंबाई हमको पता करनी है। लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज कर दो, दिमाग लगाओ। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आगे तुम कंटिन्यू करोगे और सॉल्यूशन देखोगे, पहले दिमाग लगा लो अपना, आंसर निकालने की कोशिश कर लो। दो आंसर है, पार्ट ए पार्ट बी। तो हमने मान लिया थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, सपोज थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, गिवन नहीं हो तो मानना पड़ेगा या गिवन होना चाहिए, तो आप वहां पर क्वेश्चन में लिख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन, क्योंकि थीटा के टर्म्स में आएगा और कोई तरीका नहीं है। हियर वी कैन अज्यूम दैट इंक्लाइन कैप्ट हॉरिजॉन्टल इज वर्किंग एज मेन स्केल, तो जो हॉरिजॉन्टल रखा है इंक्लाइन वो मेन स्केल की तरह काम कर रहा है, ये मान लो, क्योंकि उसके हाइपोटेनियस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है PQ, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, मेन स्केल बड़ा है, और जो उसके ऊपर दूसरा इंक्लाइन रखा है, दूसरा ट्रायंगल, वो मान लो वर्नियर स्केल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेस छोटा है और हाइपोटेनियस बड़ा है, तो प्रोग्रेसिव वर्नियर कैलिपर ये बन गया। और फिगर से ये क्लियर है, एक छोटे सेगमेंट को अगर हम लेते हैं, एल लेंथ दिया हुआ है बेस पर, उसकी लंबाई जो एल है, तो हाइपोटेनियस की लंबाई अगर मैं निकालूंगा तो वन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन आएगा एल अपॉन कॉस थीटा। अब देख लो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालूंगा तो एल अपॉन कॉस थीटा। एक वन ईयर स्केल डिवीजन क्योंकि वो बेस का ही एक पार्ट है तो एल यूनिट है, इससे पार्ट ए का आंसर मेरे पास आ जाता है, लीस्ट काउंट हो गया 1 MSD - 1 VSD यानी एल अपॉन कॉस थीटा माइनस एल, इसको मैं एल सेक थीटा लिख सकता हूं और एल कॉमन लिया तो सेक थीटा माइनस वन, तो ये तो पार्ट वन का आंसर आ गया, एल टाइम्स सेक थीटा माइनस वन। नाउ ये
इसको दोबारा समझते हैं, डायग्राम को देखिए आप। पी क्यू अगर यहां से काउंटिंग में शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, ये 9 तक तो आ रहा है पूरा पूरा, 9 डिविजन्स, तो ये वाले 9 डिविजन्स ऐसे मेन स्केल के 9 डिविजन्स तो पूरे पूरे आ रहे हैं, और 9 से 10वें के बीच, 10वें के थोड़ा सा पहले ये खत्म हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। बाकी काम कर रहा है वर्नियर स्केल जो इसके ऊपर रखा हुआ है, बेस एज वर्नियर स्केल। तो वर्नियर का कौन सा डिविजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी डिविजन के साथ, तो फिर मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6, तो ये 8th डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां मैच हो रहे हैं। तो ये डिटेल आपको निकालनी है। थीटा यहां मार्क करना था आपको, थीटा इस ट्रायंगल के इस एंगल को थीटा मार्क करना है जो क्यू पर बन रहा है। तो हमने दो डिटेल इस डायग्राम से निकाली कि 9 डिविजन्स, ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई, और वर्नियर की रीडिंग हो गई 8 डिविजन्स, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिविजन इज 8, तो 9 और 8 इसके बेसिस पे हम टोटल रीडिंग बना लेंगे। सॉल्यूशन बी पार्ट, लेंथ ऑफ लाइन PQ इज कैपिटल L मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, 9 इनटू मेन स्केल का एक डिवीजन कितना L अपॉन cos थीटा, इसको मैंने लिखा L sec थीटा, प्लस 8 कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है 8, जिसको मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं L टाइम्स sec थीटा माइनस 1, तो मुझे मिलता है 17 L sec थीटा माइनस 8 L, जिसमें L कॉमन लेता हूं, तो 17 sec थीटा माइनस 8। तो आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन, नहीं तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि फैमिलियरिटी कम होती है तो हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो, तो रिवाइंड करके दोबारा देखने पर फैमिलियरिटी बढ़ेगी और डेफिनेटली अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आज नहीं तो कल दोबारा देख लेना, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम जान लें वर्नियर कैलिपर्स में नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं। आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर आ रहा है, हमारे पास भी एलएन की फिजिक्स लैब में अवेलेबल है, तो लेजेंड को प्रैक्टिकल जब हमने करवाए, और भी जो आईजेएसओ के बच्चे आते हैं उनको प्रैक्टिकल जब करवाते हैं, तो वो सब हम एडवांस्ड एपरेटस यूज करते हैं एलएन में, एलएन के फिजिक्स लैब में। तो बच्चों ये डिजिट्स में यहाँ रीडिंग आ रही है, यानी कुछ चक्कर नहीं है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे जो भी ऑब्जेक्ट आप नापना चाहते हैं नाप सकते हैं। जीरो एरर को भी जीरो करने की इसमें प्रोविजन, इसका प्रोविजन दिया हुआ है, और सीधे आपको रीडिंग पढ़नी, देखने का झंझट खत्म हो गया, सीधे आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेटली रीडिंग निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, और डिटेल अगले वीडियो में देखेंगे बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। बाकी आपकी जो डिमांड होगी वो आप लिखें, भेजें चैनल पर, कमेंट सेक्शन में भेजें, तो मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, यानी वर्नियर कैलिपर फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरियस कंपटीशन। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठाकर देख सकते हैं, सभी कंपटीशन में आपको वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर मोर? इफ यू लाइक इट देन शो इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।